नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लस और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और आपको बता दें कि इन 27 सीटों में से सुवासरा भी एक सीट है। आपको बता दें कि सुवासरा इसलिए इतनी खास सीट मानी जाती है क्योंकि सुवासरा किसान बहुमूल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर गरोट और सुवासरा के डिवीजन को मिला के करीबन 4 से 5 हज़ार किसान जो है वो डोडा चूरा और अफीम की खेती कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार अनदेखी कर रही बीजेपी एवं केंद्र और राज्य सरकार वो उपचुनावों में अफीम और डोडा चूरा का जो मुद्दा है वो भारी पड़ सकता है। गौरतलब है कि किसान जो है वो लंबे समय से डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि डोडा चूरा को लेकर अभी तक कोई ठीक पॉलिसी नहीं बनाई गई है और एनडीपीएस एक्ट में जो डोडा चूरा आता है वो नहीं आना चाहिए। साथ ही किसान के जो लगातार मांग कर रहे हैं, पहले भी सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि किसानों से वो सरकार 100 रुपये किलो में डोडा चूरा खरीदेगी और उसके बाद उसका नष्टीकरण करेगी, जिसकी वजह से वो भी अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसानों को अपना डोडा चूरा की जो फसल है वो बेचनी पड़ रही है, जिसके बाद उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो ऐसे में किसान को जो अफीम का और डोडा चूरा का जो मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ता दिख रहा है। और जब से वॉइस ऑफ एमपी ने इस मामले को उठाया है तब से इस मामले ने और तूल पकड़ ली है। और इसका सबसे ज़्यादा असर सुवासरा सीट पर देखा जा सकता है, क्योंकि सुवासरा में अधिकतर जो किसान हैं वो अफीम और डोडा चूरा की खेती करते हैं, जिसको लेकर बीजेपी जो है इस मुद्दे को लगातार अनदेखी कर रही है। आपको बता दें कि इससे सबसे ज़्यादा उपचुनाव में जो खतरा हो सकता है वो बीजेपी को हो सकता है, जहाँ एक तरफ बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो 27 से 27 सीटों पर जीत हासिल कर सके, वहीं एक और मालवा मेवाड़ की सुवासरा सीट को जो है नज़रअंदाज कर रही है। अफीम और डोडा चूरे को जो डोडा चूरे का जो मुद्दा है उसको लगातार नज़रअंदाज कर रही है। तो ऐसे में उपचुनाव में भाजपा को अफीम और डोडा चूरा का जो मुद्दा है वो काफ़ी भारी पड़ सकता है। हम वॉइस ऑफ एमपी ने कई बार वीडियो बनाकर कई बार अवगत करवाने की कोशिश की है, परंतु अभी तक अफीम को और डोडा चूरा की पॉलिसी को लेकर कोई ठोस जो कदम है वो नहीं उठाया है सरकार ने। ऐसे में उपचुनाव में ये जो मुद्दा है वो भाजपा पर भारी पड़ सकता है। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।